हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आपको एक इंटीजर गिवन होगा, आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, बट आपको स्क्वायर रूट फंक्शन यूज नहीं करना है। ओके और अगर एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन यू हैव टू रिटर्न द फ्लोर वैल्यू। ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, है ना। हालांकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट उसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। जैसे 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। ठीक है, और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही है। ठीक है, और हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। नोट में यहाँ दिया भी है कि ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियों में आया हुआ है। ठीक है, इवन माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन यहाँ भी आया हुआ है। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि फ्लोर वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 15 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर रूट किसके किसके बीच लाई करेगा? 3 का स्क्वायर रूट एज वेल एज 4 का स्क्वायर रूट, है ना। 3 का स्क्वायर रूट इज 9 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 16। सो 15 जो है वो कहीं ना कहीं 9 एंड 16 के बीच ही लाई करेगा। तो हमें फ्लोर को लेना है। फ्लोर क्या होता है? ये जो छोटी वैल्यू, ठीक है, बड़ी वैल्यू को हम बोलते हैं सील और छोटी वैल्यू को बोलते हैं फ्लोर। तो हमें फ्लोर को एक्सेप्ट करना है, तो इसका आंसर हमें क्या रिटर्न करना है? 3। ओके, तो ये बेसिकली उस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, कूल, तो ये बात तो आपको समझ आ गई। ठीक है, तो हम आप धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट सपोज 5 के लिए पूछा गया है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन यूज नहीं करना है। तो एक बात तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ, इस बात से आप भी एग्री करोगे, नहीं, 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 से छोटा ही होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? 1, 2, 3, 4 एंड 5 में से ही कोई होगा, ना इससे बड़ा होगा ना इससे छोटा, है ना, क्योंकि हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। तो हम चेक करते जाते हैं एक एक करके। हम क्या करते हैं ना, एक हमारा आंसर वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम स्टोर करते जाएंगे। हम पहले चेक करते हैं 1 को। ठीक है, 1 into 1 क्या ये 5 के बराबर या 5 से छोटा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है, छोटा है, तो ये हमारा एक वैलिड आंसर बन सकता है। फिर हम 2 के पास जाते हैं, 2 into 2 क्या ये 5 के बराबर है या 5 से छोटा है क्या? हाँ, बिल्कुल छोटा है, तो हमें हमारा नया आंसर मिल गया 2। फिर हम जाते हैं 3 के पास, फिर हम चेक करते हैं 3 square will be 9, क्या ये 5 से छोटा या 5 के बराबर है क्या? नहीं, तो यहीं पे हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, बराबर किस केस में आएगा? जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये जो हम हर बार बराबर ही क्यों चेक नहीं कर रहे हैं? क्योंकि छोटा वाला भी काम करेगा, क्योंकि हमें फ्लोर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओनली बराबर को ढूंढते तो फिर 5 का तो हमें स्क्वायर रूट मिलता ही नहीं, है ना। कूल, सो इसमें आ गया हमारा 2। बट ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है यार, है ना, क्योंकि ये इसकी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन टाइप से आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन तो एग्जैक्टली नहीं आएगी, क्योंकि हमें कभी भी पूरे ये आंसर स्पेस को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट बहुत सारा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सोच के देखो कि लेट सपोज 10 to the power 6 है, तो आपको कहाँ तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा? 10 to the power 3 तक। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है ना, इससे भी अच्छा अच्छा सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक अच्छा अप्रोच अब हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है तो सबसे पहले तो आपको ये वाला अप्रोच बताना चाहिए, है ना, बिकॉज वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, अच्छा हमको सिखा दिया है, अब हम देखते हैं कि इसका अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेट सपोज हम हमारा एलिमेंट लेते हैं 10, हमें लेट सपोज 10 के लिए सर्च करना है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज अगेन इस बात पे तो आप एग्री करोगे ही करोगे कि यार मेरा जो आंसर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 के बीच ही होगा। कुछ भी कर लो भाई, इसी के बीच होगा। हाँ, मानता हूँ ये बात कि मेरा जो ये सर्च स्पेस है ये इतना ही होगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, ये जो ये इसको बेसिकली आपका आंसर स्पेस है, ये आंसर स्पेस देख के कुछ आपके दिमाग में चल रहा है क्या? देखो ध्यान से, ये जो हमारा आंसर स्पेस है इसकी खास बात ये है, सॉर्टेड है। अब शायद आपके दिमाग में एक
चीज आया होगा कि जहां भी सॉर्टेड सुनो बाइनरी सर्च लगाओ, आंख बंद करके सॉर्टेड मतलब बाइनरी सर्च। तो हम हमारे आंसर स्पेस में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो ये किस क्वेश्चन का वेरिएशन है? आपने कहीं पढ़ा होगा आई गेस कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो जब भी हमारा आंसर स्पेस सॉर्टेड हो तब भी हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, कुल तो अब हम इसमें बाइनरी सर्च लगा के देखते हैं। कुल ओके, सो ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और ये हमारा हायर लिमिट हो जाएगा। क्यों, कैसे हमने तय किया लोअर लिमिट और हायर लिमिट? बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, किसी का भी स्क्वायर रूट या तो उसकी लोअर लिमिट वन हो सकती है या तो हायर लिमिट वो खुद हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। चलो ये हमारा सर्च स्पेस आ गया, हम इसमें नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे यार, मिड निकालते हैं 10+1 11 11/2 5। तो हमारा मिड आ गया यहाँ पे कहीं पे, मिड हमारा आ गया। हम अब हम एक आंसर वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसमें कि हम हमारा आंसर को स्टोर करेंगे। ठीक है ओके, हमारा मिड गया है 5। ठीक है, 5 × 5 करके देखते हैं क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 10 है। नहीं यार, ये लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं है, तो ये हमारा वैलिड आंसर नहीं हो सकता। तो उससे मेरा क्या फायदा? ओके, सो ये पूरे आंसर स्पेस को मैं हाईलाइट कर देता हूं। अगर 5 का स्क्वायर 10 से छोटा हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके बाद आने वाले सारे नंबर का स्क्वायर तो भैया और ज्यादा होने लग जाएगा। क्यों? बिकॉज एरे सॉर्टेड है। तो हम ये वाला जो एरिया है इसको हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द पावर ऑफ बाइनरी सर्च। सोचो एक बार में हमने कितने बड़े पार्ट ऑफ एरे को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है कूल, अब हम जाते हैं आगे। अब हमारा सर्च स्पेस क्या बच गया? बस ये 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा h है उसको mid माइनस 1 पे ले आता हूँ, जो नॉर्मल हम लोग बाइनरी सर्च में करते हैं वही हमको करना है। ठीक है, सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाले mid को मैं इरेज कर देता हूँ एंड ये वाले h को भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम हमारा नया mid निकालते हैं, क्या आएगा? 4+1 5 5/2 2। तो हमारा ये mid आ गया। अब हम इस mid को चेक करेंगे। ठीक है, कि mid क्या है? 2 × 2 इज इट लेस देन 10? हाँ बिल्कुल लेस देन 10 है। ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड आंसर हो सकता है, बट क्या हमें यहाँ रुक जाना चाहिए? क्या इससे कोई बड़ा आंसर मिल सकता है ना? हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें इससे भी बड़ा आंसर मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे L को क्या करेंगे, mid प्लस 1 पे ले आएंगे। जब भी हमें आगे बढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं, L इज इक्वल टू mid प्लस 1, पीछे जाना है तो L इज इक्वल टू सॉरी H इज इक्वल टू mid माइनस 1 है ना। और अगर मैं समझाऊं तो बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 है, हमें बड़े वैल्यू चाहिए, तो ये वाले पार्ट को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना यार, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है तो उससे जितने छोटे वाले हैं उनका स्क्वायर तो और छोटा आएगा ना यार, ऑब्वियस ही बात है ना। तो अब हमारा L आ गया 3 पे और H है 4 पे, तो अब मिड क्या आएगा, 4+3 7 7/2 3। हम आ गया, हमारा मिड आ गया यहाँ पे, मिड को चेक करते हैं। 3 मिड है 3 × 3 इज इट लेस देन और इक्वल टू 10? हाँ यार सही है। तो अब हम हमारे आंसर को अपडेट कर देंगे, देखो एक नया आंसर मिला ना, इसीलिए हमें राइट साइड में मूव करना जरूरी है आफ्टर फाइंडिंग द आंसर ऑल्सो। ठीक है, हमें एक आंसर मिल गया, बट अभी भी हम हमारा आस नहीं छोड़ेंगे, हम आगे और चेक करना चालू करेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारे मिड को सॉरी अब हम हमारे एल को ले लेते हैं मिड प्लस 1 पे, तो यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारा नया मिड कहाँ पे आएगा, एल बी 4 पे एच बी 4 पे, 4+4 16 16/4 4। तो हमारा मिड आ जाएगा यहाँ पे, मिड को चेक कर लेते हैं एक बार, 4 × 4 इज इट लेस देन और इक्वल्स टू 10? ओके, सो इज इट लेस देन इक्वल्स टू 10? नहीं यार, लेस देन इक्वल्स टू 10 तो नहीं है। ओके, लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं है, कोई बात नहीं, क्या पता हमारा आंसर पीछे कहीं पे हो, है ना, क्योंकि जब भी आंसर बड़ा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, ये आंसर बड़ा आ गया था, तो हम क्या किए थे, h इज इक्वल टू मिड माइनस 1, हम लेफ्ट साइड में ढूंढना चालू किए थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को बेसिकली h को आप क्या कर लेंगे, मिड माइनस 1 पे ले लेंगे, तो हमारा मिड हमारा h कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही हमारा h l को क्रॉस कर गया तो हम क्या करेंगे, हमारे बाइनरी सर्च को टर्मिनेट कर देंगे और जो भी हमारे आंसर में स्टोर है वही हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्मल बाइनरी सर्च। ठीक है, इसको हम कोड करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली
हम क्या करते हैं, हम हमारा सर्च स्पेस बनाते हैं, ठीक है, हमें इसमें लॉन्ग में करना है, पहले मैं जावा में कोड कर रहा हूँ, सेम कोड हम सी प्लस प्लस में कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा लोअर लिमिट, या फिर आप इसको स्टार्ट बोल लो अगर आपको पसंद है तो, ठीक है, मैं एल लिखता हूँ, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हमेशा वन, ठीक है, एंड हमारा जो हायर लिमिट वो हो जाएगा नंबर इटसेल्फ एक्स। अब नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे, व्हाइल एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, हमारा एक मिड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको भी मैं लॉन्ग बना देता हूँ, लॉन्ग मिड इज इक्वल्स टू एल प्लस एच माइनस एल बाय टू। ये क्यों कर रहे हैं, टू बेसिकली अवॉइड द ओवरफ्लो, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इफ मिड मल्टीप्लाई बाय मिड इफ इट इज इक्वल टू लेस देन एक्स, तब हमें एक आंसर मिलेगा, ठीक है। हम आंसर को कहीं स्टोर कर लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब हमें हमारा आंसर मिल रहा है, बट अभी भी हमें राइट साइड में ढूंढना ही है, ठीक है। तो हम हमारे एल को कहाँ ले लेंगे, मिड प्लस वन, है ना, और फिर एल्स, अगर मान लो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यार, हमें लेफ्ट साइड में ढूंढना पड़ेगा, तो एल इज इक्वल टू मिड माइनस वन। तो ये किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड, एंड ये किस तरफ मूव करा रहा है, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, ओके। सो अब हम इसको कर देते हैं रिटर्न, रिटर्न आंसर। बट यहाँ पे एक चीज आप सोच रहे होगे कि अगर आंसर क्वेश्चन में जीरो आ गया तो क्या करें, है ना, आ सकता है ना यार, तो हम सिंपली इसको बाहर से हैंडल कर लेते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन रिटर्न जीरो, बिकॉज जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा यार, जीरो ही होगा, ठीक है। इसको एक बार हम सबमिट कंपाइलर रन करते हैं, अगर कोई कंपाइलेशन एरर हुई तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है आंसर इज इक्वल्स टू मिड, आंसर इज इक्वल्स टू मिड, ओके सॉरी, यहाँ पे हम इंटीजर ले लिया ना, हमें लॉन्ग लेना पड़ेगा, सॉरी, ओके। सो इसको चलिए एक बार हम और कंपाइलर रन करते हैं, इसकी टाइम फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, लॉग एन, बिकॉज वी आर यूजिंग बाइनरी सर्च, कूल, ओके। सो फाइनली सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, हम इसको एक बार सबमिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी कोड को यार मैं ना सी प्लस प्लस में लेके कॉपी पेस्ट करता हूँ, बिकॉज दोनों में सेम ही है यार, ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर इन सी प्लस प्लस, तो हम इसको क्या करते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, ओके, यहाँ पे लॉन्ग है वहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लगा देते हैं, ओके कूल, इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ, एंड देन वी विल, अगर ये सक्सेसफुली कंपाइलर रन होता है तो हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सेम है दोनों कोड में, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल सा टेक अवे ये है कि हमारा जो आंसर स्पेस है वो सॉर्टेड है, तो हम उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, और अगर हमारा जो आंसर आ रहा है वो लेस देन इक्वल्स टू अगर एक्स है तो हमें एक वैलिड कैंडिडेट मिल जाएगा, और लेकिन हमें वहां पर रुकना नहीं है, हो सकता है राइट साइड में कोई और उससे भी ज्यादा अच्छा वैलिड कैंडिडेट मिल जाए, और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वैसे यार हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए, है ना। ये जो मिड इनटू मिड है ना, इसको आप और स्मार्टली ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होगा, मिड की जो बेसिकली मिड इनटू मिड, क्या पता बहुत ज्यादा हो जाए, और वो अगर इंटीजर हम ले रहे हैं तो इंटीजर ओवरफ्लो आ जाए, इससे अच्छा आप इस तरह से स्मार्टली भी इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सा छोटा सा चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।